चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरण में चुनाव होगा और इसी के साथ में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है। और आप तस्वीरें देखिए, ये ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके घर के ठीक बाहर का नज़ारा है। और इस वक्त यहाँ पर जो उनके घर के बाहर होर्डिंग लगी है उनको निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगाने के बाद में इस तरह की होर्डिंग अवैध हो जाती हैं, इसलिए इनको यहाँ से तुरंत निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इस पूरे रास्ते पर आगे समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर भी ये टीमें थोड़ी देर में पहुँचेंगी और एक के बाद एक जो भी प्रचार सामग्री है चाहे वो किसी भी पार्टी की हो उसको निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक की कई सारी होर्डिंग लगाई गई हैं जहाँ उनको निकाला जा रहा है। और ये देखिए, ये एक बड़ी सी होर्डिंग लेकर के और ये नगर निगम का जो दस्ता है वो तुरंत प्रभावी हो गया है और इस वक्त सारी होर्डिंग को एक ट्रक में रख करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। और पूरा जो रास्ता है वहाँ पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं उनके घर के ठीक बाहर से ये होर्डिंग निकाली जा रही है। और ये दस्ता पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी इस तरह की होर्डिंग लगाई गई उनको निकालने का काम करेगा। पूरा का पूरा ट्रक साथ में चल रहा है। और मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि ट्रक के भीतर की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि उसके भीतर बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए जो गए थे रास्ते में उनको निकाल करके यहाँ पर भरा जा रहा है। और तुरंत बहुत तेज एक्शन शुरू हुआ है। अभी थोड़ी ही देर पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 5 राज्यों में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसकी घोषणा कुछ ही देर पहले हुई है। और उसके तत्काल बाद से आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद जो प्रचार सामग्री है वो सारे दलों की निकाल करके हटाई जा रही है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।